हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबको एक बहुत ही रहस्यमय कहानी बताने जा रही हूँ। ये कहानी श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी पर है, जिसे आपने शायद ही कभी सुना होगा। दोस्तों, ये कहानी भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी के विवाह के बाद की है। उनके विवाह के बाद कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण को देवी रुक्मणी से अलग होना पड़ गया, वो भी पूरे 12 साल के लिए। इसके पीछे की वजह क्या है, आज मैं आप सबको बताऊंगी। दोस्तों, श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का जब विवाह संपन्न हो गया, उसके बाद उन दोनों से एक ऐसी गलती हो गई जिसके कारण दोनों को 12 साल के लिए अलग होना पड़ा। ये समय दोनों के लिए बहुत कष्टदायी था। उसके बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी ने इस कष्टपूर्ण समय को भी प्रसन्नता के साथ काटा। उनके अलग होने के पीछे बहुत बड़ी वजह थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण के कुलगुरु थे। श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि का बेहद आदर और सम्मान करते थे। विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण के मन में देवी रुक्मणी को अपने कुलगुरु से आशीर्वाद दिलाने का विचार आया। देवी रुक्मणी की भी इच्छा थी। शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को लेकर दुर्वासा ऋषि के आश्रम पहुँचे। दुर्वासा ऋषि का आश्रम द्वारका से कुछ दूरी पर स्थित था। आश्रम पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी ने दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्हें महल में आकर भोजन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे दुर्वासा ऋषि ने स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त भी रख दी कि जिस रथ से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी आए हैं, उस रथ से वह महल नहीं जाएंगे। वे तभी महल में जाएंगे जब उनके लिए नया रथ मंगाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरुवर, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। आपके लिए अभी नए रथ का प्रबंध करता हूँ। श्री कृष्ण ने नए रथ का प्रबंध कर दिया, लेकिन एक ही रथ होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने रथ के दोनों घोड़ों को निकाल दिया और उनकी जगह श्री कृष्ण और रुक्मणी जी रथ को खींचने लगे। ऐसा करने के बाद दोनों ने दुर्वासा ऋषि को रथ पर बैठने के लिए प्रार्थना की। इसके बाद दुर्वासा ऋषि रथ पर बैठ गए और दोनों मिलकर रथ को खींचने लगे। लंबी दूरी तय करने के बाद रुक्मणी जी को प्यास लगने लगी। श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को धैर्य रखने के लिए कहा और बोले कि कुछ दूर और रथ को खींच लो, इसके बाद महल आ जाएगा। लेकिन रुक्मणी जी का गला सूखने लगा और वे परेशान होने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को पानी पिलाने के लिए जमीन पर अपने पैर का अंगूठा मारा, जिससे जल का स्रोत निकल गया। धरती से गंगाजल की धारा निकलने लगी, जिसे रुक्मणी जी ने पी लिया और श्री कृष्ण से भी थोड़ा जल पीने का आग्रह करने लगी। तब श्री कृष्ण ने भी थोड़ा जल पी लिया। इस घटना से दुर्वासा ऋषि बेहद नाराज हो गए। वे क्रोध में आ गए और बोले, तुम लोगों ने जल ग्रहण कर लिया, लेकिन मुझसे पूछना भी उचित नहीं समझा। तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम दोनों को 12 साल अलग रहने का श्राप देता हूँ। इस श्राप से दोनों को बहुत दुख हुआ। श्राप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी को अलग होना पड़ा। श्राप से मुक्त होने के लिए रुक्मणी जी ने भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की, जिसके बाद वे श्राप से मुक्त हुए। आई होप आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।